दोस्तों कनाडा में काफ़ी लोगों के जॉब लग रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि कनाडा में चल रहा है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम एक वर्क परमिट की फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है, जिसमें आपका जो वर्क परमिट है वो 15 दिन में भी आ सकता है। यूजुअली जो इसका प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो 2 से 4 हफ्ते के बीच में है, और अभी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई है। तो अगर आप राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करते हो और अगर सही डेजिग्नेशंस को सेलेक्ट करते हो तो आपको जॉब अवश्य मिलेगा। अब इस वीडियो में मैं आपके जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको भी कवर करूंगा, और कुछ आपको नए तरीके भी बताऊंगा जिससे आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। सो गाइस, अभी मेरा एक अपने सब्सक्राइबर से इंटरेक्शन हो रहा था जिसको कनाडा में जॉब मिली है, जो कि इंडिया में मैरियट होटल में काम कर रहा था और उसको 18,000 रुपये मिल रहे थे, 18,000 रुपये सैलरी। अभी सेम इंसान की कनाडा के कैलगरी में सैलरी है 3.5 लाख रुपए के आसपास। इसमें सामने वाले को कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल उसने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उसको रिजल्ट मिल गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, पर एफर्ट आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है जॉब्स को ढूंढने के लिए, आपको बस सही प्लेटफॉर्म्स से अप्लाई करना है और वहीं से आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिल जाता है, और मैं आपको सारी प्रोसेस से भी वाकिफ कराऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका फोकस होना चाहिए राइट कैटेगरी ऑफ जॉब लेने में। जब आपको जॉब मिल जाता है उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर भी देता है और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी देता है, और वर्क वीज़ा भी आपके बिहाफ पे इनिशिएट करता है। एंड दोस्तों, ये याद रखिए, जो वर्क वीज़ा रहता है वो कैनेडियन ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे इनिशिएट कर सकता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लीमिया प्रोसेस से जा रहे हो, IMP प्रोग्राम या कोई अदर प्रोग्राम से। तो जॉब लिए बिना कोई भी एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे वर्क परमिट इनिशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वर्क परमिट इनिशिएट होता है उसमें आपकी भी डिटेल्स आती है और आपके एम्प्लॉयर की भी डिटेल्स आती है। उसमें आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने ड्यूरेशन का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंपनी आपको जॉब दे रही है उनका कितना बड़ा साइज़ है, किस सेक्टर में है, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि मेरी एजुकेशन बहुत कम है, मैं सिर्फ 8th पास हूँ या 10th पास हूँ या 6th पास या 5th पास ही हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल सकता है? तो दोस्तों, आपका जो कैलिबर है, आपका जितना एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप जॉब तय कीजिए। मान लीजिए आप सिर्फ 5वीं, 6वीं या 8वीं पास ही हो तो आप हाउस कीपिंग या पैकेजिंग वर्कर टाइप के जॉब में ट्राई कर सकते हो, या तो कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में ट्राई कर सकते हो या फार्म वर्कर के रूप में। फैक्ट्रीज में भी जनरल लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टाइप के काम में आप ट्राई कीजिए। अगर आपकी एजुकेशन 10th या 12th तक है तो आप कैशियर के रूप में ट्राई कर सकते हो, स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर, इस टाइप के काम में ट्राई कर सकते हो। और जब आप जॉब सर्च करना चालू करते हो तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आपको उसी जॉब के लिए देनी है जिसमें आपको ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। आपको रोज़ 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, और ये कंटिन्यूसली कुछ महीने तक करना पड़ेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिलेगा। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये 1 दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें आपको कंटिन्यूसली जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है और अल्टीमेटली आपको जॉब मिल जाता है। अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, ज़्यादातर जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी के जॉब्स रहते हैं उसमें आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास बस इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ी बहुत बोल पाओ, थोड़ी बहुत समझ पाओ, बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन आती है तो आपके चांसेस रहते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी डेजिग्नेशन। मान लीजिए अगर आप होटल लाइन में फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट के रूप में ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपको अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, तो उसमें इंग्लिश अच्छी चाहिए। सेम वे सेल्स जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी आपको इंग्लिश में थोड़ी फ्लुएंसी चाहिए। तो ये वर्क पे भी डिपेंड करता है। आप पैकेजिंग वर्कर, हाउसकीपिंग या फिर कैशियर इस टाइप के रूप में ट्राई कर रहे हो तो इसमें आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है बोलते तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। इसी टाइप से और भी डिफरेंट काम रहते हैं, फूड काउंटर अटेंडेंट, स्टैकर, इनफैक्ट डिलीवरी बॉय के भी काम में ज़्यादा आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, अभी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको ग्रैब करना आना चाहिए। अगर आप कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब बैंक, लिंक्डइन एंड इंडीड। अभी मैं आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाके बताता हूँ कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का जॉब। इसमें आपको डिफरेंट जॉब्स दिखेंगे, जैसे अभी दिख रहा है आपको फूड काउंटर अटेंडेंट, ये है रिकीज़ ऑल डे ग्रिल में,
बॉयलर मेकर, लाइन कुक, एथनिक फूड कुक, फार्म वर्कर, रिटेल स्टोर सुपरवाइजर, रिटेल सेल्स पर्सन, आप देख सकते हो इस टाइप से आपको डिफरेंट जॉब दिख रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एक एग्जांपल फूड काउंटर अटेंडेंट का। इसमें आप सैलरी देख सकते हो 15.5 कैनेडियन डॉलर्स मिलेगा हर घंटे का। 15.5 कैनेडियन डॉलर मतलब होता है 1000 रुपये से ज़्यादा हर घंटा। ये जो काम है ये एल्बर्टा में है, लीडूक में। इसमें आपको मिलेगा 15.5 कैनेडियन डॉलर हर घंटे का और 30 से 40 घंटे का आप काम कर सकते हो हर हफ्ते। यह है परमानेंट जॉब, फुल टाइम है। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये अर्जेंट हायरिंग वाला काम है। और इसमें कितनी वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। आप इसमें जॉब बैंक आईडी भी देख सकते हो, ये रही, और ये वेरीफाइड जॉब है। अब दोस्तों, अब मैं आपको एक फार्म वर्कर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप फार्म वर्कर में देख सकते हो कितने सारे फार्म वर्कर के जॉब्स अवेलेबल है। ल्यूमेट फार्म्स लिमिटेड, विडडॉग फार्म्स, बोमन होल्स्टीन्स, ब्लूबेरी GNL फार्म लिमिटेड, केटी फार्म, इस टाइप से आपको दिख रहा है। आप इसमें वेजेस भी देख सकते हैं, इसमें 15 कैनेडियन डॉलर है, इसमें 22 है, इसमें 18.5 कैनेडियन डॉलर है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पहले आपको जाना है एडवांस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्रोविंसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रोविंस में चाहिए। एल्बर्टा में चाहिए, ब्रिटिश कोलम्बिया, मनीटोबा, न्यू ब्रंसविक, ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग अलग मिल रहे हैं। इसमें जॉब सोर्सेज भी दिख रहे हैं, अगर आप वेरीफाइड जॉब्स में क्लिक करो तो बेहतर रहता है। अब सबसे नीचे आप जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैनेडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वैसे जॉब मिलेगा जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल, बहरीन, कहीं से भी हो, आप इससे फिर अप्लाई कर पाओगे। अब इसमें आप अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से भी टिक कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी जॉब है, लेस देन 1 ईयर के भी जॉब है, 1 से 3 साल के, और 3 साल या उससे ज़्यादा के अनुभव। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ नो एक्सपीरियंस के जॉब वाला। अब इसमें ऐसे जॉब दिखाएगा जिसमें आपको बिना एक्सपीरियंस के भी हायर कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया व्यू 272 जॉब्स। यहाँ पे अब आपको जितने भी जॉब दिख रहे, ये सारे वैसे जॉब है जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कैडरीन फार्म्स INC, ये शासकीय जवान का जॉब है। इसमें आपको 21 कैनेडियन डॉलर पर आवर मिलेगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वैकेंसी है, वेरीफाइड जॉब है, स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे आपको 21 डॉलर पर आवर मिलेगा, आप हर हफ्ते 40 घंटे काम कर सकते हो। ये परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एजुकेशन नो डिग्री, नो सर्टिफिकेट, नो डिप्लोमा। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी जॉब लगते हैं, अगर है तो वो एसेट की तरह आपके लिए इस्तेमाल होगा। पर्सनल सुटेबिलिटी क्या है, टीम प्लेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो आपको लोगों के साथ काम करने आना चाहिए। इसका काम क्या है, वीट फार्मिंग का काम है, गेहूं की खेती का काम है। और यहाँ पे आपकी अदर मिसेनेलियंस क्रॉप फार्मिंग भी होती है, किसी टाइम गेहूं की होगी, किसी टाइम दूसरे क्रॉप्स की भी फार्मिंग होती है। ये जो काम है ये रूरल एरिया का काम है, मतलब कनाडा के एक छोटे से शहर का है। और इसमें आपको अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से मिल रही है, लिखा हुआ है स्टाफ अकोमोडेशन अवेलेबल, तो आपकी रहने की भी व्यवस्था सॉल्व हो जाती है। और ऐसी प्लेसेस में आपको खाना भी फ्री दे ही देते हैं, एक टाइम का खाना जब तक आप काम कर रहे हो। इसमें आपका टास्क क्या रहेगा, प्लांट को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को इरीगेट करना, फर्टिलाइज और स्प्रे करना क्रॉप्स पे, हार्वेस्टिंग करना, और जो भी फार्म ड्यूटीज रहती है वो करना, और जो फार्म की मशीनरी और इक्विपमेंट्स रहती है उसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना। अब दोस्तों, मैं आपको स्टोर कीपर का जॉब बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो 10,157 रिजल्ट दिख रहे हैं। इसमें भी मैं एडवांस में जाऊँगा, स्क्रोल डाउन करूँगा और यहाँ पे कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स पे क्लिक करूँगा और अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से भी चेक करूँगा। मैं इसमें कर रहा हूँ नो एक्सपीरियंस, मतलब अब आपको सिर्फ वैसे जॉब्स दिखेंगे जिसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक कीपर का काम है, ये CPG एरोस्पेस में है, ओंटारियो का काम है, न्यू मार्केट में, और इसमें आपको 19 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर मिलेगा। अब इसमें आपको सब चीज़ के बारे में पता चल रहा है, आपको एड्रेस तक दिख रहा है, 265 पोनी ड्राइव, न्यू मार्केट, ओंटारियो। ये जो काम है ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट का है, मतलब स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। आप हर हफ्ते 40 घंटे काम कर सकते हो और हर घंटे का आपको $19 मिलेगा। ये फुल टाइम काम है,
इसमें आपकी डे शिफ्ट रहेगी सुबह 8 बजे से शाम की 4:30 बजे तक। इसमें भी आप देख सकते हैं नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इज एन एसेट, मतलब अगर आपके पास अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ पे जो जॉब साइट है वो एयर कंडीशनड है, मतलब यहाँ पे एसी तक लगा हुआ है। यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, परफॉर्म जनरल ऑफिस ड्यूटीज़, जो भी ऑफिस ड्यूटीज़ रहेगी, आइडेंटिफाई लेबल कैटलॉग आइटम रिसीव्ड, इसमें आइटम्स की पैकिंग भी करनी पड़ेगी शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शॉप और वेयर हाउस को क्लीनिंग का भी आपका ही काम रहेगा, बंदे रहेंगे जो काम करेंगे बट जिम्मेदारी आपकी रहेगी। रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्रीज विद कंप्यूटर काउंट्स, यहाँ पे आपको जितनी भी इन्वेंट्रीज रहती है उसका काउंट रखना पड़ेगा और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक होता है तो आपका पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको मैक्सिमम 30 पाउंड तक का वजन उठाना पड़ सकता है, 30 पाउंड मतलब हो जाता है लगभग 14 किलो के आसपास, उतना वजन आपको उठा के इधर उधर रखना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जितनी सैलरी है वो तो है ही, आपको अलग से बोनस भी मिलता है। यूजुअली ये क्वार्टरली बोनस रहते हैं, हर 3 महीने में आपको थोड़ा बोनस मिलता है, मतलब जितनी कमाई है उसके ऊपर भी आपको कमाई होगी, और इसमें आपको ग्रुप इंश्योरेंस का भी बेनिफिट्स मिलते हैं। और दोस्तों जॉब अप्लाई करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि CV और कवर लेटर जो है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उससे कैसे अप्लाई किया जाता है, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। तो दोस्तों दो तरीके रहते हैं अगर आप ऑनलाइन कहीं पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। एक रहता है कि आप किसी वेबसाइट में गए और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है, तो उसमें जहाँ पे भी आपसे पूछते हैं अपलोड योर CV और रेज्यूमे, तो आपने अपना CV वहाँ पे अटैच किया, और दूसरा सेक्शन रहता है अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, तो वहाँ पे अपना कवर लेटर को अटैच करते हो। जो कवर लेटर रहता है उसमें एम्प्लॉयर की डिटेल्स आपको बदलनी पड़ती है। अब दूसरा तरीका रहता है कि जो कवर लेटर है वही आपका एक्चुअल में ईमेल फॉर्मेट हो जाता है। तो कवर लेटर का कभी भी आप अंदर का कंटेंट देखोगे वो एक ईमेल फॉर्मेट की तरह ही रहता है, तो आपने उसको कॉपी करके उसको अपने ईमेल फॉर्मेट बना लेते हो और CV अटैच करते हो और आप उनको मेल करते हो, ये सही तरीका रहता है। कवर लेटर में आप जिस भी एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स बदलनी रहती है। सो दोस्तों ये सही तरीका रहता है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना रहता है। एंड दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि कॉम्पिटिशन बहुत है, तो अगर आप लो क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर बनाते हो और उससे अप्लाई करते हो या इंडियन फॉर्मेट से करते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत है, हजारों लोग सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक आपके पास अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर नहीं है और आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और कोई भी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हो, और आप वैसे भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स बनाते रहता हूँ। सो आप बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपके पास सफिशियंट फंड होना चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ, मतलब लगभग 2500 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा आपको बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। आपको अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है और उसमें जो फाइनल अमाउंट रहता है वो 2500 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 1,80,000 या उससे ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। फिर आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपको अपना एक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी ट्रैवल आइटनरी बतानी पड़ती है, मतलब आप कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हो, कहाँ रुकने वाले हो, हर चीज़ की डिटेल बतानी पड़ती है और बुकिंग्स दिखानी पड़ती है। आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मिलता है, वो भी आपको डिस्प्ले करना पड़ता है। आपका जो वर्क वीज़ा है वो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे इनिशिएट करता है। अगर वो IMP प्रोग्राम से, मतलब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम से, तो उसका चार्ज रहता है 235 कैनेडियन डॉलर्स, और अगर वो लीमिया प्रोसेस से रहता है, मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसका चार्ज रहता है 1,000 कैनेडियन डॉलर्स। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स खुद ही पे कर देते हैं आपके बिहाफ में ये वर्क वीज़ा की फ़ीस। फिर आप जब कनाडा लैंड करते हो उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है फुल बॉडी, उसका भी चार्ज एम्प्लॉयर ही पे करता है। एंड गाइस ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स रहते हैं जो आपको अकोमोडेशन, फ्लाइट की टिकट और रहने की भी व्यवस्था करवा देते हैं। ये जो अलाउंस है वो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर डिपेंड करता है, अगर उनकी कंपनी में स्लैब होगा तो वो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो सोच क्या रहे हो, रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, जो एफर्ट करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों मेरा काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं,
जॉब उन्हीं लोगों के लगते हैं जो मेहनत करने को तैयार है। आपको रोज 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, और ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपको जॉब नहीं मिलता। एंड दोस्तों, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें सुपर वीज़ा भी चलता है, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, अपने बच्चे, अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तक को आप बुला सकते हो। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।